जामनेर नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक 2018 कोण मारणार बाजी जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज वर दररोज बघा प्रचाराची रणधुमाळी आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी कोण करणार शहरवासियांना राजी कोण मारणार निवडणुकीत बाजी जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज वर बघा रोज कोण मारणार बाजी जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज वर बघा निवडणुकीची बातमी ताजी कोण मारणार नगर परिषदेत बाजी कोण होणार लोकनियुक्त नगर अध्यक्ष कोण कोण होणार नगर सेवक जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज वर दररोज बघा प्रचाराची रणधुमाळी महाराष्ट्र प्रदेशाचे अल्पसंख्याक आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष माननीय जमीलजी सिद्दाकी हे आपल्यात उपस्थित आहे. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्याला संबोधित करावं. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बोलो भारत माता के. बोलो भारत माता के. वंदे वंदे. मंच पर पधारे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, सामने बैठे हुए सभी भाई एवं बहनों, मैं आप सबसे नागपुर से चलकर ये निवेदन करने आया हूं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने ग्रीस भाव को प्यार दिया है, सम्मान दिया है, भरोसा दिया है, उस भरोसे को तोड़ने के लिए और जो अभी हमारे पूर्व वक्ता उपाध्यक्ष ने बताया कि ग्रीस भाव 5,000 करोड़ रुपए लाने वाले हैं, उसको लूटने के लिए वो पैसा उनके जेब में जाए, इसलिए कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं. मैं इस मंच के माध्यम से हमारे जामनगर के मुस्लिम भाइयों से भी अपील करने आया हूं कि साथियों, आपके बीच में कुछ पैरोपिए मालेगांव से आ रहे, मुंबई से आ रहे, औरंगाबाद से आ रहे, और जो हमारा भाईचारा है उसको खराब करने का काम कर रहे, इससे सावधान रहने की आवश्यकता है. एक शायर ने कहा, हमको सुर मिलानी है, हमको सुर मिलानी है घंटी और अजान के, हमको सुर मिलानी है घंटी और अजान के, हमको लाज बचानी है, हमको विकास करना है अपने हिंदुस्तान के. हिंदुस्तान का विकास शुरू हो गया है. 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनकर आ गई है, और अभी तो असम और मेघालय में भी भारतीय जनता पार्टी का पताका लहरा रहा है. और ये लोग आकर हमको गुमराह कर रहे कि वो डूबी हुई जहाज जिसमें अब कुछ नहीं है उसको ओढ़ दो, उसको सरकार बनाओ. जब इनके पास दिल्ली में सत्ता थी, जब इनके पास महाराष्ट्र में सत्ता थी, तब तो ये किसी का विकास नहीं कर पाए. और आज हमें, जब हमारा विकास हो रहा है, मुझे गर्व होता है जब मैं जामनगर से गुजरता हूं, ऐसा लगता है कि ये कोई जो है 5-स्टार शहर है. कभी देख के कोई बता नहीं सकता कि ये नगर परिषद है. महानगर पालिका से ज्यादा विकास अगर कहीं हुआ है तो आपके जामनगर शहर में हुआ है. मुझे पता चला कुछ हमारे जो है मुस्लिम नेता यहां पर आकर भाषण देकर गए कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए उनके 3 तलाक पर पाबंदी लगा दी है. साथियों, मैं मुस्लिम होने के नाते बोल रहा हूं, ऐसा कोई भी 3 तलाक पर पाबंदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं लगाया है. लोग आकर गुमराह कर रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हज पर जाने वालों का जो सब्सिडी मिलता था उसको बंद कर दिया है. हाँ, ये बात सही है.
हमने बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि हमने किराया कम कर दिया है और वो जो हज का सब्सिडी का पैसा बचता था उसको शिक्षा में खर्चा करने के लिए दिया है, क्योंकि वो हज सब्सिडी मुस्लिम के जो हज यात्री जाते हैं उनको नहीं मिलता था, वो मिलता था तो एयर इंडिया के लोगों को मिलता था। उस एयर इंडिया को पालकर कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग साल भर मौज मारते थे और नाम खराब होता था मुस्लिम भाई का। भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान के साथ हज पर भेजने का काम साथियों इस साल शुरू किया है और ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के चमचे आकर हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह करने का काम कर रहे, इसलिए मैं यहाँ पर आज आकर संबोधित करने का काम कर रहा हूँ। साथियों मैं नागपुर से 8 घंटे चलकर आया हूँ, सिर्फ इसलिए आया हूँ कि कुछ बैरूपिये आकर हमारे इस जामनगर के एकता को मोहब्बत को खत्म करने का काम करे, ऐसे लोगों के जबान पर लगाम लगाए, इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूँ। साथियों भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने भी मंत्री हैं उनमें सबसे ज्यादा काम करने का अगर कोई काम करता है तो वो हमारे ग्रीस भाव है। साथियों उनके समर्थन में आपसे मैं अपील कर रहा हूं, मैं महाराष्ट्र प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष हूं, पूरे महाराष्ट्र से अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज के हमारे पास निवेदन आते हैं, उन निवेदन पर माननीय मुख्यमंत्री के पास ले जाकर कार्रवाई करने का काम, उनको न्याय देने का काम सबसे ज्यादा अगर कोई करता है तो वो ग्रीस भाव है। और सिर्फ वहां नहीं, यहां भी 7 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देकर उनको विजयी बनाने के लिए मैदान में उतारने का काम गिरीश भाव ने किया है। ये जो लोग हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह करने का काम कर रहे, मैं आज इस मंच से आपसे निवेदन करने आया हूं कि आने वाले 6 तारीख को आप उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को, सभी धर्म को, सभी जात को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज का उत्थान हो इसके लिए इस साल 350 करोड़ रुपए देने का काम की है। भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम समाज में शिक्षा हो इसलिए जितने जिला परिषद पंचायत समिति नगर परिषद के उर्दू स्कूल है उनको 12वीं तक पढ़ने का दर्जा देने का काम की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों को अच्छा खाना मिले, पहली बार महाराष्ट्र की सरकार ने मिड डे मील दोपहर का खाना शुरू किया है। साथियों भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज के लिए 35 ऐसी योजनाएं निकाली है जिनका हमने इस्तेमाल किया तो हमारा भविष्य सुधर जाएगा। मुस्लिम समाज में शिक्षा की कमी तो होती है लेकिन हुनर की कमी नहीं होती, जो हमारे बच्चे हुनरमंद हैं लेकिन उनके हाथों में काम नहीं है और काम है तो उनके हाथों को दाम नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र की सरकार ने स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी के नाम पर कौशल विकास की ट्रेनिंग शुरू करने का काम किया है। आप अगर अच्छे मोटर मैकेनिक हैं, आप अच्छे पेंटर हैं, आप अच्छे कारपेंटर हैं और आप अगर काम करना चाहते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, आप कौशल माध्यम से कौशल विकास की ट्रेनिंग लेकर सर्टिफिकेट के माध्यम से आप अच्छी नौकरी पा सकते हैं, इसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। साथियों मंच पर हमारे बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, वक्ता है, इसलिए मैं आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस मैं आखिरी में एक ही बात का निवेदन करूंगा कि साथियों कुछ लोग आपके शहर जामनगर को लूटने के लिए नजरें गड़ाए बैठे हैं, इनका मकसद सेवा करना नहीं है और जिस प्रकार से पूरे भारत ने इनको नकारा है आप भी नकारे, और जिस प्रकार से हमारे भाव ने आपको लगातार प्यार दिया है, सेवा दिया है, भाव के प्यार को और सेवा को जारी रखने का काम आप सब यहाँ पर करेंगे। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज़।